नमस्कार दोस्तों, अनलाउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल T20 मैच जो कि खेला जाएगा 13 नवंबर 2022 1:30 पे। तो जिस मैच का आप लोगों का इंतजार था, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच, वो आपकी आंखों के सामने है। इंग्लैंड और पाकिस्तान लड़ेगा फाइनल में। अब कौन जीतेगा इस मैच में? फाइनल में देखो कैसे पहुंची है पाकिस्तान, ये आपको भी पता है। पाकिस्तान के लिए कोई सफर आसान सफर नहीं था, डगमगाते हुए पाकिस्तान भी पहुंची है और बहुत 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 बड़ा लक है उनके हाथ में। और इंग्लैंड की बात करूं तो देखो, इंग्लैंड डोमिनेट करती है, पहुंचना हक है उनका। इंडिया जैसे हारी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 विकेट से हारी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि चांस मतलब मिला उन्हें और वो जीते हैं जो कि फाइनल में खेल रहे हैं। उन्होंने हक था, उन्होंने जो को उनको मिला है उन्होंने छीना है। इंडिया ने डिजर्व नहीं किया, इसलिए टीम इंडिया हारी है। टीम इंडिया का दुख रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके पास ये सबसे बड़ा चांस था ICC T20 वर्ल्ड कप की सीरीज जीतने का, जो कि उन्होंने गवा दिया है, उनकी गलती से गवाया उन्होंने। अब इंडिया हारा, इंडिया की बात नहीं करते हैं, जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट टाइम दुआ करेंगे कि 2024-25 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें टीम इंडिया जीते। लेकिन अब जो फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो खेला जाना है कल 1:30 पे, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 1992 की बात है, ऐसी ही सिचुएशन में फंसा हुआ था पाकिस्तान। सेम कंडीशन ऐसी थी और सेम कंडीशन जो आज है, सेम कंडीशन आज भी ऐसी ही कंडीशन पर फाइनल खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। तो नीदरलैंड से देखो साउथ अफ्रीका का मैच था, वहां नीदरलैंड जीता, साउथ अफ्रीका हारा। पूरे के पूरे चांसेस बन गए थे साउथ अफ्रीका फाइनल जाने के, सॉरी सेमीफाइनल जाने के। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारने के बाद चांसेस बने पाकिस्तान के, पाकिस्तान को एक छोटा सा मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पहले न्यूजीलैंड को मारा, पहले तो साउथ अफ्रीका को मारा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को मारा, फिर उसके बाद फाइनल में आज खेल रही है ये इंग्लैंड के सामने। तो भैया एक गलती हुई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की, सिर्फ एक गलती, एक गलती की वजह से कितना पीछे चले गए थे बोल। लेकिन उनको अगर एक बार मौका दिया और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया तो डिजर्व करती है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की फिलहाल जो बैटिंग अभी देखने को मिली थी बाबर आजम और रिजवान की, काफी अच्छी थी। और इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं इस मैच में, देखो इंग्लैंड 10 विकेट से जीत कर आ रहा है इंडिया से, तो काफी हाई कॉन्फिडेंट लेवल होगा इनका। और अगर हम हेड टू हेड अगर हम बात करते हैं और रेट की बात करते हैं, तो चलो हम रेट के बारे में बात करते हैं आप लोगों से। तो 66-67 पैसे इंग्लैंड ओपन हुआ है। अगर देखो फाइनल मैच है, इस हिसाब का रेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई टीम आपसे फाइनल खेल रही है तो ऐसा नहीं है भैया वो छोटी टीम है, वो बड़ी टीम है, लेकिन भाई इंग्लैंड को ज्यादा फेवर किया जा रहा है और मार्केट भी पूरी की पूरी मार्केट भी इंग्लैंड के साथ ही चल रही है, ये बात ध्यान रख लेना। इंग्लैंड का फेवरेट होना, इंग्लैंड के साथ मार्केट का होना, इंग्लैंड ही इंग्लैंड चिल्लाना सभी लोगों का। और हेड टू हेड अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो देखो पिछले 10 मुकाबलों में से भी इंग्लैंड के साथ ही है, इंग्लैंड का पल्ला भारी है। पिछले 10 मुकाबलों में से 7 बार तो देखो जीती है इंग्लैंड और 3 बार ही जीती है इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान। तो 3 और 7 का डिफरेंस काफी बड़ा होता है, ये आधे का भी नहीं है, तो इंग्लैंड इसमें भी आगे है। और अगर हम विनिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो 47% पाकिस्तान के चांसेस हैं और 53% चांसेस इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड यहां भी बाजी मार रही है, इंग्लैंड ने हेड टू हेड में भी बाजी मारी और इंग्लैंड में विनिंग परसेंटेज में भी बाजी मार रही है। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो देखो प्लेइंग 11 में कौन कौन सा प्लेयर खेल सकता है, तो देखो ऑन पेपर तो इंग्लैंड ही स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर देखा जाए स्क्वाड की बात की जाए तो जोस बटलर काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं अभी इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ, और एक एलेक्स हिल्स और जोस बटलर की जो धमाकेदार जो पारी थी उसकी बदौलत टीम इंडिया हारी थी 10 विकेट से। तो ये दो जो प्लेयर हैं काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे कल के दिन भी, जोस बटलर चल सकते हैं। और फिर उसके बाद है फिलिप साल्ट, उसके बाद स्टोक्स, उसके बाद है हैरी ब्रुक्स, उसके बाद आते हैं लिविनस्टन, फिर उसके बाद मोइन अली,
फिर उसके बाद सेम करण, फिर उसके बाद क्रिस बोक्स। अब क्रिस बोक्स का कुछ पता नहीं है खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे या इंजर्ड है, या फिर उसके बाद फिर खेलेंगे क्रिस जॉर्डन, फिर उसके बाद आदिल रसी। तो भाई देखो प्लेइंग 11 काफ़ी टाइट है इनकी, काफ़ी अच्छी है, और जो प्लेयर के मैंने नाम लिए हैं काफ़ी सुपर से भी ऊपर हैं। और हम अगर पाकिस्तान की अगर हम फिलहाल बात करते हैं तो पाकिस्तान में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब कैसा प्ले करते हैं, क्या इनका इंटेंट है, क्योंकि इन्होंने अपना इंटेंट चेंज किया है कुछ मैचों में मैंने देखा है। अभी जो मैच हुआ था रिसेंटली, अभी न्यूजीलैंड के साथ मैच इनका हुआ था, तो इसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, तो इनका भी कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा बैक हुआ होगा। अगर ये दोनों चलते हैं तो पाकिस्तान देखो ऊपर जाएगा। अगर टारगेट सेटअप किया इंग्लैंड वालों ने फर्स्ट बैटिंग करके, तो वो भी सेटअप करेगा, वो भी चेस करेगा अच्छे से। और अगर स्टार्टिंग में बॉलिंग करती है इंग्लैंड और ये फर्स्ट बैटिंग पे आते हैं, तो देखो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का चलना ज़रूरी है इस मैच में। अगर ये दोनों नहीं चले तो देखो जो छोटा टारगेट सेटअप होगा अगर 150, 140, 145 के बीच में, तो जो होता आया अभी तीन मैचों से, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी फर्स्ट बैटिंग हारी और इंडिया वाले मैच में भी फर्स्ट बैटिंग हारी, तो हम भैया नहीं देखना चाहेंगे कि फिर से वही वन साइडेड वाला मैच हो, 150, 160 के बीच के टारगेट बने, फिर उसके बाद इंग्लैंड आए और इंग्लैंड आराम से चेस कर ले वो मैच। हम ऐसा मैच नहीं देखना चाहते, हम फाइनल देखना चाहते हैं, ऐसा मैच देखना चाहते हैं कि भैया ऐसा लगे लास्ट तक, ऐसा लगे लास्ट तक कि कौन जीतेगा। इससे आपका प्रॉफिट होगा, इससे आपका प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि रेट में फ्लक्चुएशन होगा, एक तरफ आपको इंग्लैंड का भी रेट मिलेगा और एक तरफ आपको पाकिस्तान का भी रेट मिलेगा, तो इससे आपका भी प्रॉफिट होगा। और एक जो भी फाइनल होना चाहिए, जो फाइनल होना चाहिए, जो देखने लायक फाइनल होना चाहिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो दो मैचेस हुए हैं ऐसे मैच देखो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि ऐसे मैच हो, आपको भी अच्छे नहीं पसंद नहीं आएंगे और मुझे भी पसंद नहीं आएंगे। तो देखो बाबर आजम, रिजवान और मोहम्मद हारिस जो लड़का आया है ये काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, इसका मुझे इंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉल से अटैक करता है, ये नहीं देखता कि भाई विकेट कितने गिरे हैं, रन कितने बने हैं, रन नहीं बन रहे हैं तो भी मारता है, रन बन रहे हैं तो भी मारता है। इसका इंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे T20 फॉर्मेट में ऐसे ही इंटेंट वाले प्लेयर की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो कि इनको मिला है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं मसूद पे, तो मसूद भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में अगर एक दो विकेट अगर गिरते हैं पाकिस्तान को, तो ये पारी को संभालते हैं, हमेशा इन्होंने योगदान दिया है इसमें, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान जितने भी मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड वाला मैच छोड़ के, उन मैचों में चलते नजर आए हुए हैं, नहीं चले ये लोग, बिल्कुल भी नहीं चले, इन्होंने कोई भी अच्छी पारियां नहीं खेली हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने। सिर्फ एक मैच को हटा दिया जाए न्यूजीलैंड के मैच को, और जो भी सहयोग दिया है वो मोहम्मद हारिस जो नया लड़का है इसने, और मसूद और इफ्तिहार अहमद ने, और शादाब खान अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 बॉलों में 50 के समथिंग मारे थे शादाब खान ने, तो अंडर एस्टिमेट मत करने ना, ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, तो इनकी बैटिंग में देखो काफ़ी दम नज़र आती है मुझे। क्योंकि पहले तो देखो बाबर आजम और रिजवान, इनसे बचना है आप लोगों को, बाबर आजम और रिजवान को आउट अगर कर लिया तो ये हारिस जो लड़का आ जाता है ये इंटेंट बदल देता है एकदम से इनिंग की, और इंटेंट कैसे बदलता है, ये मारता है, और इसके रिगार्ड में अगर बैटिंग करता रहा, ये बॉल आती रही, तो ये देखो कम बॉलों में ज़्यादा रन मारेगा। और जो जख्म मिले हैं रिजवान और बाबर के, क्योंकि बाबर और रिजवान अगर स्टार्टिंग में आउट होते हैं, उसके बाद अगर ये लड़का मोहम्मद हारिस चलता है, तो ये कवर कर देगा, दो विकेट कवर कर देगा। और फिर नीचे तो देखो बैठे हैं मसूद बैठा है, इफ्तिखार अहमद बैठा है, इफ्तिखार अहमद भी देखो बूढ़े हो गए हैं लेकिन काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे भी देखो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये देखो पहले पारी को संभालते हैं, फिर उसके बाद जब स्पिनर को देखते हैं तो अटैक करते हैं, ये स्पिनर को काफ़ी मारना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और इनका ये मुझे सबसे अच्छा काम लगता है कि देखो अगर इनके रन 10 बॉलों में 10 रन है, तो अगर इनका स्ट्राइक रेट बढ़ा तो 10 बॉलों अब फिर अगली 15 बॉलों में इनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ जाता है, 150 170 के पास पहुँच जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है T20 के हिसाब से। और फिर उसके बाद शादाब खान आप जानते ही हो काफ़ी अच्छा बल्लेबाज है और ऑलराउंडर है, फील्डर भी अच्छा है, बल्लेबाजी भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और नवाज भी हिटिंग कर लेता है। उसके बाद देखो बॉलर आ जाते हैं, बॉलर से देखो हाई एक्सपेक्टेशन बैटिंग की नहीं कर सकते, मोहम्मद वसीम
और नसीम शाह, ये दो लड़के हैं, इनके पास काफ़ी अच्छी स्पीड है, काफ़ी अच्छे वेरिएशन है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस मैच में देखो बॉलिंग किसकी देखो चलने वाली हो सकती है, देखो बॉलिंग पिच हो सकती है क्योंकि मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जब छक्के लगाओगे आप प्रॉपर छक्के लगाओगे तभी आपका छक्का जाएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी और अगर हम बात करते हैं हारिस रॉफ, और अभी देखो प्लेइंग 11 आई नहीं है, अब कौन से प्लेयर इसमें इन होंगे कौन से प्लेयर आउट होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसने जितने प्लेयरों का नाम लिया उतने प्लेयर तो देखो खेलने हैं। तो भाई ये है पाकिस्तान का हिसाब किताब। और अगर हम बात कर देखो इनमें से बॉलिंग में अगर हम बोलेंगे ना कल के दिन, तो शाहीन अफरीदी और हारिस रॉफ ये विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं मुझे, मेरे अकॉर्डिंग इनके 4-4 ओवर काफ़ी अच्छे होंगे और ये 8 ओवर में विकेट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर हम इंग्लैंड की अगर बात कर लेते हैं तो देखो जोस बटलर और हील्स, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जोस बटलर हील्स कल के मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि देखो क्वालिटी वाली बॉलिंग है पाकिस्तान के पास, तो इनको फेस करना अगर कर लिया, अगर ये टारगेट अगर सेटअप कर लिया कि इनको फेस कर लिया है हारिस रॉफ और शाहीन अफरीदी को, तो ये पेल भी देंगे इनका मत, इनको 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 ज़्यादा क्योंकि इनका जो गेम प्लान है मैं समझ चुका हूँ, इनका गेम प्लान अलग ही है इंग्लैंड वालों का, और कल आपको देखने को भी मिलेगा ये अलग वे में खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई टुक टुक वाला गेम नहीं खेल रहे हैं कि जो कि 6 ओवर में 40 रन सेटअप करके जाएं, ये 6 ओवर में 50-55 की तरफ जाएंगे कल के दिन। अगर फर्स्ट बैटिंग पे उतरते हैं तो इनका अटेम्प्ट मारने का ही होगा, और ये इंटेंट अगर इनका फिट बैठता है तो ये स्कोर जो होगा काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। अगर स्कोर अगर 170-75 के बीच में बन जाता है तो पाकिस्तान देखो इजीली तरीके से नहीं जीतेगा क्योंकि इनके पास भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग है इंग्लैंड के पास, तो अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इंग्लैंड को आपको 55 के बीच में 150-55 के बीच में रोकना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। और कहीं अगर पाकिस्तान वालों ने अगर 160-165 का टारगेट रख दिया तो ये टारगेट देखो इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं इतना बता सकता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अगर फेवर की बात रही, अगर मैं अभी बोलूँ किसका फेवर मैं कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात सबसे पहली बात तो ये सुनना कि 1992 का इतिहास दोहराया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग। 1992 में भी ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान बाहर हो रही थी, किसी छोटी टीम की वजह से पाकिस्तान अंदर हुई थी, और ऐसा आज भी हुआ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को धक्के मार मार के फाइनल में भेजा गया है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, बड़ी बड़ी टीमें बैठी हैं चुपचाप, इंडिया आ गई बाहर हो गई, न्यूजीलैंड चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, और जहां जिसके लौड़े लगने थे पाकिस्तान वो देखो फाइनल खेल रहा है। तो फाइनल की राह में लाया गया है पाकिस्तान को, तो ये 1992 का सीन ना हो जाए कि फाइनल भी आया और फाइनल जीता भी। लेकिन अगर ऑन पेपर अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तरीके से बात करते हैं तो इस मैच में देखो इंग्लैंड काफ़ी हद तक पाकिस्तान से आगे है, काफ़ी हद तक, एज ए प्लेयर बात कर लो, एज ए बैटिंग बात कर लो, एज ए फील्डिंग बात कर लो, एज ए ऑल टाइप बात कर लो, अगर क्रिकेट के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो इस मैच का जो विनर होगा वो इंग्लैंड होगा। और 1992 का अगर रिपीट करते हो इतिहास तो ये मैच देखो पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान को धक्के मार मार के फाइनल की स्टेज पे खड़ा किया गया है, बस इतना ही ध्यान रखना तुम लोग। और हमारा जो फाइनल मैच का विनर होगा, देखो फाइनल वाली बात है, हम अभी कुछ जल्दबाजी नहीं कर सकते, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो कब बना रहा हूँ ये आप देख लीजिए, 3:28 का टाइम है तब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो जो भी टीम का विनर होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा टॉस के बाद, टॉस के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद ही हम फाइनल टीम का विनर देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपका काम है, और कल के मैच में हाथ पकड़ के काम कराना हमारा काम रहेगा। तो ऑलराउंडर फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ऑलराउंडर फैमिली, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए टेलीग्राम पर ऑलराउंडर फैमिली, जैसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल आता है उसको ज्वाइन कर लीजिए, कल के मैच में हाथ पकड़ के काम कराने की जिम्मेदारी आपके भाई की होगी, सिर्फ इतना बोलूंगा। 1:30 पे हमारी मुलाकात आपसे होगी, और जो भी विनर होगा, फाइनल टीम विनर होगा इंग्लैंड या पाकिस्तान, जो भी होगा 2022 का T21 चैंपियन, तो इसमें आपको पोस्ट कर दिया जाएगा और हाथ पकड़ के काम कराया जाएगा,
लगाई लगाई कहाँ से करनी है, खाई कहाँ से करनी है, एज ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपका काम है, सिर्फ इतना बोलूँगा बार बार। और अभी 3:30 का टाइम है, इससे पहले मैं आपको विनर नहीं दे सकता, मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दी है। अब आप लोग सोचोगे कि दोनों टीमों के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, पूरा का पूरा दिल दिमाग मेरा देखो इंग्लैंड के साथ है, क्योंकि इंग्लैंड ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान से। और अगर 1992 की अगर रिपीट वाली बात की जाए, तो सपोर्ट वाली बात की जाए, तो सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को। जो भी होगा, हमें फाइनल विनर हमें मिलेगा टॉस के बाद, तो हम आपको शेयर कर देंगे, बस इतना बोलने आया हूँ। आप लोग बस अभी फ़िलहाल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और जो भैया यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि और बड़ा हो। वीडियो देखकर अगर कुछ समझ में आया हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, बस देख लेना, सुन लेना, समझ लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं 12:30 हम, 1:30 पे मैच है, हम उससे पहले कोशिश करेंगे आपके टीम विनर को प्रोवाइड करेंगे। अगर उससे पहले हमें टीम का विनर मिलता है तो हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आप लोग ज्वाइन करके रख लेना, ज्वाइन करके रख लेना, कभी भी टीम विनर आ सकता है। टीम विनर ही नहीं, हर वो चीज़ आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, एंट्रीज भी आएंगी, कब लगाई करनी है, कब खाई करनी है। अगर टीम हार भी रही होगी अपनी, तभी भी अगर अपनी टीम की एंट्री आ रही होंगी तभी भी हम टीम की एंट्री कराएंगे और हाथ पकड़ के आपको काम कराएंगे, डराएंगे नहीं। डरे अगर डर लगता है कल के दिन तो मैं खड़ा रहूंगा आपका, आपके डर को कम करने के लिए आपके पीछे मैं खड़ा मिलूंगा कल। तो डरने का नहीं है, कल कल फाइनल है, कल चीर फाड़ कर देनी है आपने अपने बुकियों की, बस इतना ध्यान रखना। अगर चैनल पर अगर नए आए हो, यूट्यूब चैनल पर अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो कल मुलाकात होगी फाइनल मैच में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। तो चलता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, दुआओं में याद करना, आपका भाई ऑलराउंडर।